बेटा आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 तक कल करा चुका हूँ, वो तो आगे आपको मैं करा रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर है 7th। ये बेटा इफ Z1 है, कार्टिजियन फॉर्म में लोगे तो ए प्लस एटा भी है बेटा। पोलर फॉर्म में क्या लिखते हो आप? R1 कॉस थीटा 1 एटा साइन थीटा 1। क्या आपको पता ही है बेटा ये और ये की बात होती है। जब आप ए प्लस योटा बी में लिखते हो तो उसको कार्टिजन बोलते हैं बेटा। ये पोलर फॉर्म है, कार्टिजन पोलर एक ही बात है बेटा। यदि मुझे आपके घर जाना है तो मुझे आपका नाम पता है, आपके फादर का नाम पता है, तब भी मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा। यदि मुझे आपके ब्रदर का नाम और हाउस नंबर पता है तब भी पहुंच जाऊंगा। तो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने के कई मेथड होते हैं। तो कार्टिजन एक अलग मेथड है, पोलर अलग है सेम चीज दोनों के दोनों बेटा। तो ए प्लस एटा भी बोल दूँ या R1 कॉस थीटा 1 एटा साइन थीटा 1। R1 आपको पता है, जब मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करूँगा तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कहलाएगा। थीटा 1 पता है आपको, जो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन करने वाला ओरिजिन के साथ जो लाइन आएगी, जो एंगल बनाएगा बेटा, वो हमारे पास थीटा 1 होगा। ऐसे ही Z2 है बेटा, Z2 है सी प्लस एटा डी। ये बेटा तो पोलर फॉर्म में क्या है, ये R2 कॉस थीटा 2 प्लस एटा साइन थीटा 2। वही सेम बात बेटा कि जो सी प्लस एटा डी है, सी प्लस एटा डी तो बेटा उसकी क्या आएगी, इसको मोड़ रहा हूँ सर अपनी तरफ है सर। सर इसमें ना आपकी आई थोड़ी सी ऊंचा चली जाती है, आप कैमरे की तरफ देखो ज़्यादा बेटर है स्क्रीन की बजाय। अच्छा इसको उधर ऐसे रखोगे तो नेचुरली नज़र इसी पे जाएगी, उसमें नहीं जाएगी। चलो ठीक है सर, इसको बदल दो, ऊंची कर दो, ऊपर जाएगा। हाँ तो यदि आप इनका डायग्राम कहोगे तो बेटा मैं डायग्राम से बता देता हूँ। जैसे आपके पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका डायग्राम ये है बेटा। यहाँ पर एक पॉइंट पी है, कोऑर्डिनेट उसके मान लो ए और बी, मान लो मर्जी है आपके, या यू भी लिख सकते हो आप R1, θ1। इनका मीनिंग क्या होता है? ये R1, θ1 का मीनिंग यही होता है बेटा। इसको आप इससे ज्वाइन करोगे, ज्वाइन किया बेटा, ये डिस्टेंस ये होता है बेटा और ये डिस्टेंस भी होता है बेटा, ये होता है, ये एंगल होता है θ1 और ये चीज होती है बेटा R1। ये होता है बेटा एक्चुअल में ये डायग्राम होता है। जैसे तुम ये कहो ना कि सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा सर, ये ए प्लस ओटा बी को आपने R1 के साथ कॉस थीटा 1 एटा साइन थीटा 1 लिख दिया, ये थीटा 1 थीटा 2 होते क्या हैं? तो बेटा ये थीटा 1 इसका ये एंगल है जिसको बोलते हैं पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट। थीटा 2 क्या है? दूसरे का आर्गूमेंट। R1 क्या है? पहले का मॉडुलस। मॉडुलस का बोलो ये दूरी OP। R2 दूसरे का, वैसे दूसरे के लिए डायग्राम बनाता हूँ बेटा मैं। मान लो मैंने ये दूसरे के लिए डायग्राम बनाता हूँ बेटा, ये लो मैंने मान लो डायग्राम बनाया दूसरे के लिए, ये डायग्राम बनाया बेटा, ये लो। ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये ओरिजिन हो गया बेटा। तो यहाँ पॉइंट में कोई क्यू लूंगा बेटा, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? C, D। क्या बेटा? या पोलर फॉर्म में लिखोगे तो क्यू क्या लिखूंगा, R2 d θ2, ये लिखूंगा बेटा। बात एक ही होती है। तुम कहोगे सी क्या है बेटा? सी ए डिस्टेंस है बेटा, डी ए डिस्टेंस है बेटा, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ये है बेटा। इसको आप इससे ज्वाइन करोगे, ये दिस एंगल इज θ2, दिस डिस्टेंस इज R2। ये बेटा ये हमारे पास,
मेरे कहने का मतलब कोई ये कहते ना सर मुझे तो ये फर्स्ट वाला समझ आ रहा, सेकंड नहीं समझ आ रहा, तो बेटा डायग्राम को देख ले भाई, किसी को भी समझ आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब लो प्रॉपर्टी क्या है बेटा, प्रॉपर्टी है कि जेड वन प्लस जेड टू के मोड का स्क्वायर आ जाए, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ जेड वन के मोड का स्क्वायर। बेटा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, ये पहले बता रहा हूँ, ये मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको बहुत कम बुकों के अंदर मिलेगी, बहुत कम टीचर कराएंगे आपको, सभी नहीं करा पाएंगे बेटा। जेड वन प्लस जेड टू के मोड का स्क्वायर, तो जेड वन के मोड का स्क्वायर जेड टू के मोड का स्क्वायर है, प्लस में एक तो यही है टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू का कंजुगेट, ये होता है बेटा, ऐसे याद कर लो, या इसको ऐसे भी याद कर सकते हो बेटा आप। जेड वन का मोड क्या है, जेड वन का मोड आर वन ही तो होता है, इसको आप आर वन का स्क्वायर लिख दो बेटा। जेड वन का मोड क्या है बेटा, आर वन का स्क्वायर ही तो होता है बेटा, चलो तो ये बन जाएगा आपके पास आर वन का स्क्वायर, ये बन जाएगा आर टू का स्क्वायर, और यहाँ पता आपकी बार क्या आएगा, टू आर वन आर टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, ये आएगा बेटा, फर्क देख लो बेटा क्या है। हाँ जेड वन का मोड ये आप जानते ही हो बेटा कि जेड वन का मोड आर वन ही होता है, एक ही बात है, जेड टू का मोड आर टू ही होता है, ये भी एक ही बात है, तो ये दोनों तो एक ही बात है बेटा, ये दोनों तो सेम आ रहे हैं। यहाँ इसकी जगह देखो क्या चीज़ आ रही है, ये देखो यहाँ इसके बदले में क्या आने लग गया, ये देखो बेटा, ये लो इसके बदले क्या आ गया, तो मुझे इसका प्रूफ कराना है बेटा आज आपको, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, लो बेटा जेड वन प्लस जेड टू के मोड के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, जेड वन प्लस जेड टू और जेड वन प्लस जेड टू का कंजुगेट, ये मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, बताया था मैंने आपको किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को अपने कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने ही क्या आता है बेटा, मोड का स्क्वायर आता है बेटा, तो ये मैं उस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ बेटा, ये लो। फिर आपको मैंने बताया था जेड वन प्लस जेड टू पे कंजुगेट हो तो आप कंजुगेट अलग अलग कर सकते हैं बेटा, कंजुगेट फर्स्ट प्लस पे कंजुगेट ऑफ सेकंड लिख सकते हैं बेटा आप, तो वही कर रहा हूँ बेटा, यहाँ करो बेटा जेड वन प्लस जेड टू ये कंजुगेट अलग अलग कर दो बेटा, जेड वन का कंजुगेट अलग जेड टू का कंजुगेट अलग, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बेटा, जेड वन जेड वन का कंजुगेट, जेड टू का कंजुगेट, जेड वन जेड टू का कंजुगेट और जेड वन कंजुगेट और जेड टू, ये आ गया बेटा, यहाँ पे वही यूज़ करो वापस, जेड वन के साथ जेड वन का कंजुगेट है तो क्या आ जाएगा, ये जेड वन के मोड का स्क्वायर, सेम जेड टू के साथ जेड टू का, तो जेड टू के मोड का स्क्वायर आ गया बेटा ये रहा, और ये क्या लिखा पड़ा है जेड वन इंटू में जेड टू का कंजुगेट, यहाँ देखो बेटा जेड वन इंटू जेड टू का है, अगला जेड वन पे कंजुगेट इंटू जेड टू है, उल्टा है बेटा उस पर, मतलब यहाँ जेड वन ऊपर में है जेड टू पे बाहर है, अगले में उल्टा है बेटा जेड वन पे बाहर है। आप क्या करो, डबल बार किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का बार के ऊपर बार क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है बेटा, बार के ऊपर बार वापस आ जाता है बेटा, ये वही आ गया, तो आप क्या करो ये लो जेड वन की बार है ना, आप इसके ऊपर ना ओपन कर दो बेटा और जेड टू पे बार कर दो बेटा, या बार पे डबल बार कर दो बेटा, एक ही बात है,
मतलब जेड वन जेड टू दो फ्रेंड थे, जेड वन के सिर पे छाता था, जेड टू नहीं ले रहा था। हमने क्या किया, जेड वन का छाता हटा के जेड टू के सर पे लगा दिया और सारे पे एक डबल छाता लगा दिया। क्यों, डबल को आप अलग अलग करोगे तो जेड वन पे तो आ गया पर जेड टू पे डबल आ गया, डबल कैंसिल हो जाते हैं आपस में, ये रहा क्लियर। अच्छा फिर आपको मैंने प्रॉपर्टी पीछे बता रखी है बेटा, प्रॉपर्टी कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में हम आप उसका कंजुगेट जोड़ते हैं बेटा, ये लो जेड प्लस जेड का कंजुगेट क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड होता है बेटा, ये होता है बेटा ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड ही होता है। तो करना बेटा यहाँ, ये कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, ये उसका कंजुगेट है, देखो ये उसका कंजुगेट है, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये कम्प्लेक्स नंबर उसका कंजुगेट जोड़ोगे तो ये आ जाएगा जेड वन के मोड का स्क्वायर, जेड टू के मोड का स्क्वायर, ये आ जाएगा टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू का कंजुगेट, ये आ गया बेटा, पूछ लो बेटा ये आंसर हो। मतलब ये इसका आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये इसका कंजुगेट नज़र आ रहा है ना बेटा, ये एक दूसरे के कंजुगेट नज़र आ रहे हैं, ये कंजुगेट है बेटा उसका। तो कुछ पूछना बेटा पूछ लो, रिपीट कराना कुछ करवा लो। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, लो बेटा इसका सेकंड पार्ट क्या है बेटा, सेकंड पार्ट अभी तक आप ये कर चुके हो बेटा कि जेड वन प्लस जेड टू के मोड का स्क्वायर क्या प्रूव कर चुके हो आप, जेड वन के मोड का स्क्वायर, जेड टू के मोड का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू में जेड टू कंजुगेट। लो बेटा जेड वन के मोड का स्क्वायर, जेड वन का मोड क्या है, आर वन है, तो इसको तो आर वन का स्क्वायर ही डाल दो बेटा, ये आर टू का स्क्वायर हो गया। हाँ ये चीज़ आपको मैं सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ बेटा, ये जो टॉपिक है ना बेटा ये आपको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ बेटा, ये आ गया बेटा। तो बेटा कैसे, मैं रियल पार्ट देता हूँ बेटा जेड वन इंटू जेड टू के कंजुगेट का, ये लो जेड वन इंटू जेड टू का कंजुगेट, जेड वन क्या है ना, होगा नहीं बेटा इसको काटो थोड़ा, लो बेटा मैं पहले आपको ना ये करके दिखाता हूँ बेटा रियल पार्ट ऑफ इसका, ये रहा ये लो जेड वन इंटू में जेड टू का कंजुगेट ये लेता हूँ बेटा, जेड वन क्या है आर वन कोस थीटा वन अयोटा साइन थीटा वन, जेड टू का कंजुगेट क्या है आर टू, इसका कंजुगेट लो बेटा कोस थीटा टू माइनस अयोटा, क्यों बेटा कंजुगेट आया तो साइन चेंज ना करूं जेड टू का, ये रहा ऊपर क्या था आर टू कोस थीटा टू अयोटा साइन थीटा प्लस में था ना, तो माइनस करूंगा बेटा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, ये लो आर वन आर टू मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, ये कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू अयोटा स्क्वायर साइन थीटा वन साइन थीटा टू, ये आ गया बेटा प्लस में अयोटा साइन थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस में अयोटा कॉस थीटा वन साइन थीटा टू, ये आ गया, यानी कि आपके पास आ गया आर वन आर टू कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू, अयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस वन साइन थीटा वन साइन थीटा टू,
बेटा आप इसको ना एक ब्रैकेट में डाल लो बेटा, कारण ये रिजल्ट होते हैं बेटा, अभी बनेंगे रिजल्ट ये ना, प्लस आयोटा कॉमन ये आ गया, साइन थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन साइन थीटा टू ये आ गया। अरे बेटा आगे थोड़ा सिलेबस करोगे ना तो ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स आते हैं बेटा, कुछ ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्री एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूले, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूले। क्या लिखो बेटा, साइन ए प्लस बी आ जाए बेटा, तो इसका फार्मूला होता है बेटा साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये होता है बेटा। हाँ बीच में माइनस आए तो माइनस लगा लेना बेटा, बाकी सेम होता है। ऐसे कॉस ए प्लस बी आ जाए तो इसका फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है बेटा, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाता है बेटा, ये उल्टा हो जाता है बेटा ये हमारे तो ये लगाना बेटा, ये वही बन गया, यानी कि ये आ गया आर वन आर टू, ये आ गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये लो प्लस है तो माइनस आएगा, लो बेटा ये कितना आ गया कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, वो क्या आ गया साइन थीटा वन माइनस थीटा टू, ये आ गया बेटा। अब आप इसका रियल पार्ट उठाना बेटा, रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू के कंजुगेट का रियल पार्ट कितना आ रहा है, रियल पार्ट रियल होता है आगे वाला हिस्सा, तो लेना कितना आ गया आर वन आर टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, ये आ गया बेटा। अब ये जो सारी वैल्यू आपने निकाली है ना बेटा, ये जो सारी वैल्यू ये निकाली ये रही, इसको आपने वहाँ फिलअप करना है बेटा, चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आ जाओ बेटा, अब आ जाओ फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या आ गया जेड वन प्लस जेड टू के मोड का स्क्वायर, जेड वन के मोड का स्क्वायर, जेड वन का मोड कितना है आर वन है, आर वन का स्क्वायर आर टू का स्क्वायर टू टाइम्स, ये कितना आया बेटा रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू का रियल पार्ट कितना आया बेटा, ये आगे वाला हिस्सा कितना आ गया टू आर वन आर टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, ये आ गया बेटा। हेंस प्रॉब्लम बेटा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैंने इसको 15 मिनट लगा दी बेटा, 15-20 मिनट एक कराने में, इसको घर में दो बार देखना बेटा, दो दो तीन तीन बार देखना। दो मिनट लगा लो बेटा इसमें, नंबर एट है बेटा, सेवन्थ और एट्थ में सिंबल सेम है बेटा, सिंबल वही है जेड वन जेड टू आपको बताए थे, तो माइनस आ जाए तो क्या होता है फार्मूला बेटा इसका, जेड वन के मोड का स्क्वायर जेड टू के मोड का स्क्वायर सेम होता है बस, वहाँ पे प्लस का टू रियल पार्ट था, यहाँ पे आएगा माइनस का टू रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू का कंजुगेट, ये होता है बेटा। ये क्या फर्क है, पीछे प्लस था अब माइनस है बेटा, बस अपने आप करना घर में इसका प्रूफ। हाँ
पोलर फॉर्म में क्या आएगा, आर वन का स्क्वायर आर टू का स्क्वायर माइनस टू आर वन आर टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, ये आएगा बेटा। तो इसका प्रूफ मैं नहीं करा रहा बेटा, सेम है सेवन्थ है बेटा, इसका प्रूफ तो अपने आप सेवन्थ का करके कर लेना बेटा। फर्क क्या है, वहाँ जा जा पे प्लस था ना बेटा, वहाँ पे माइनस लगा लेना, तो ये मैं नहीं करा रहा। अब आ जाओ नाइन्थ बेटा, नाइन्थ सेवन्थ और एट्थ को ऐड कर दो बेटा, कैसे, ये लो जेड वन प्लस जेड टू के मोड का स्क्वायर, जेड वन माइनस जेड टू के मोड का स्क्वायर क्या आएगा। आप नाइन्थ को एक बार सेवन्थ और एट्थ को ऐड करना, तो ये ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट जेड वन टू जेड टू कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया टू टाइम्स, क्या आ गया जेड वन के मोड का स्क्वायर जेड टू के मोड का स्क्वायर, ये आ गया बेटा। या पोलर फॉर्म वाला ऐड कर लो तो कट जाएगा टू आर वन आर टू, तो ये इसको आप ये लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ आर वन का स्क्वायर आर टू का स्क्वायर। हाँ सिंपल वही है बेटा पहले वाले, तो इसका प्रूफ तो बेटा मुझे कराने की जरूरत ही नहीं, क्यों, यानी कि एग्जाम में इसका मान लो प्रूफ आ जाए तो बेटा सेवन्थ और एट्थ को ऐड कर दो बस, सेवन्थ प्रूफ और एट्थ प्रूफ, सेवन्थ प्रॉपर्टी एट्थ प्रॉपर्टी को ऐड कर दो बेटा बस, इसका प्रूफ आ जाएगा। बाकी बेटा जेड वन जेड टू वही ए प्लस ओटा भी आर वन आर टू, सिंबल सेम है बेटा, सिंबल ऊपर वाले ही है, वो आर वन बता रखा है आर टू बता रखा है। फिर सुन लो ए प्लस ओटा बी या आर वन कोस थीटा वन ओटा ए की बात होती है। ए प्लस ओटा बी में क्या है, ए और बी मान लो ए तुम्हारा नाम है बी तुम्हारे फादर का नाम है, और आर थीटा में क्या है, आर तुम्हारे भाई का नाम है थीटा तुम्हारी मदर का नाम है, बस ये फर्क होता है बेटा। जगह तो एक ही जाना है, एड्रेस तो एक ही है। अब लो बेटा टेंथ, इसका नाम है बेटा ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। ये बेटा ये क्या कहता है, ये कहता है कि जेड वन प्लस जेड टू का मोड जो है उनके अलग अलग मोड से कम होता है बेटा, जेड वन का मोड जेड टू के मोड से कम होता है बेटा, सिमिलरली ज़्यादा के लिए भी है बेटा। यदि आप जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री ले लोगे तो उसका जो मोड होता है वो जेड वन का मोड जेड टू का मोड और जेड थ्री का मोड। आईआईटी के क्वेश्चन में बेटा मैं इतना बता दूं, पिछले 40 साल में ना बेटा ये 40 बार यूज हो चुकी है, ये बता दूं बस आईआईटी के क्वेश्चनों में ये 40 टाइम्स यूज हो चुकी होगी, 40 टाइम्स इन 40 इयर्स इन आईआईटी। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रूफ आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ट्रायंगल में दो स्मॉलर साइडों का सम थर्ड से बड़ा होता है, या किन्हीं भी दो साइडों का सम थर्ड से बड़ा होता है, तो ये वो ट्रायंगल नहीं है, उसके जैसी शक्ल लग रही है बेटा ये। तो मैं फिर कह रहा हूँ इसका ये नहीं कि इसका प्रूफ आता है बेटा, इस पर आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं, तो 40 टाइम इन 40 ईयर्स आते हैं प्रॉब्लम, इसके ऊपर जो प्रॉब्लम है ये रहो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस
बेस्ड ऑन दिस। लो बेटा प्रूफ क्या है, देखो इसका। पहले यहाँ तक जो पीछे आप प्रूव कर चुके हो, हुई हैव या हुई नो दैट हैव बीन प्रूव्ड, क्या प्रूव कर चुके हो आप कि जेड वन प्लस जेड टू के मोड का स्क्वायर क्या था, जेड वन के मोड का स्क्वायर, जेड टू के मोड का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू का कंजुगेट, ये कर चुके हैं। यानी कि ये आपकी सेवन्थ प्रॉपर्टी है बेटा, ये आप कर चुके हो। अब याद करो मैंने आपको कल एक प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है ना बेटा, रियल पार्ट ऑफ जेड, वो अपने ही मोड से बड़ा होता है बेटा नेगेटिव से, और छोटा होता है अपने ही मोड के पॉजिटिव से, ये होता है बेटा। अब जैसे 100 है बेटा, 100 है बेटा, 100 है 60 प्लस 40, 60 का 60 कर दी, यहाँ पे हटा के मैं 40 की जगह 50 कर दूंगा, तो ये चीज़ पहले से बढ़ के नहीं आएगी बेटा, ये रही। बोलो बेटा, यानी कि आप जैसे जेड आपने ले लिया 3 प्लस 4 है बेटा, तो जेड का मोड कितना था 5, तो उसका जो रियल पार्ट है देख लो 3, वो -5 से बड़ा है और +5 से कम है। तो बोलो मैं यहाँ पे अब क्या करना चाहता हूँ बेटा कि ये जो जेड वन प्लस जेड टू के मोड का स्क्वायर है, यहाँ तक है बेटा, जेड वन के मोड का स्क्वायर, जेड टू के मोड का स्क्वायर, ये है। मैं ये जो रियल पार्ट है ना बेटा, उसकी जगह उसका मोड डालना चाहता हूँ, जो ट्वाइस ऑफ उसका मोड डाल देता हूँ बेटा। अब किसी भी चीज़ का जो मोड होता है बेटा, वो रियल पार्ट से तो बड़ा होता है, रियल पार्ट है मैंने मोड डाला, तो ये चीज़ पहले से बड़ी हो जाएगी बेटा, ये टॉपिक पहले से बड़ा बराबर हो गया बेटा मेरा। ऊपर देखो बेटा एग्जांपल देखो, पहले 40 था, मैंने उसकी जगह बड़ा नंबर 50 डाला, तो बड़ा हो जाएगा बेटा। अब इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ बेटा, जरा जेड वन के मोड का स्क्वायर, जेड टू के मोड का स्क्वायर, या मोड अलग अलग कर दो बेटा, जेड वन का मोड, जेड टू के कंजुगेट का मोड, ये कर दो। अब ये आप लोग जानते हो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मोड, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मोड और उसके कंजुगेट का मोड, मोड सेम होता है बेटा, तो मोड अलग अलग लगा दो बेटा, लगा दिया बेटा, तो ये आ गया जेड वन के मोड का स्क्वायर, जेड टू के मोड का स्क्वायर, ये अलग अलग कर दो बेटा, ट्वाइस ऑफ जेड वन का मोड, जेड टू का मोड, क्यों, कम्प्लेक्स नंबर का मोड उसके कंजुगेट का मोड सेम होता है। अब ये सारा क्या बन गया बेटा आपके पास, क्या बन गया बेटा, ये होल स्क्वायर नहीं बन गया, ये बन गया जेड वन का मोड, जेड टू के मोड का स्क्वायर आ गया, देख लो बड़ा आ गया ये जेड वन प्लस जेड टू के मोड स्क्वायर से, इस स्क्वायर को स्क्वायर से काट लो, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर से स्क्वायर काटोगे बेटा, तो जेड वन प्लस जेड टू का मोड छोटा बराबर आ गया बेटा मोड ऑफ जेड वन, मोड ऑफ जेड टू, ये आ गया बेटा, हेंस रूट बेटा। उसको पूछ लो बेटा, कुछ पूछना है तो।
कुछ भी रिपीट कराना करवा लो बेटा। मेन इस लॉजिक को समझो बेटा, 60 जो है ना बेटा और 40 का जोड़ जो होता है 100 है। आप कहते हो मैं यहाँ से 40 को हटा के 50 लगाऊंगा, और यार 40 को हटा के 50 लगाओगे तो सम तो पहले से बढ़ जाएगा। बस ये करना बेटा, इलेवंथ प्रॉपर्टी लो बेटा। ये बेटा Z1 - Z2 का मोड आ जाए तो ये बड़ा आता है बेटा, Z1 के मोड माइनस Z2 के मोड से ये बड़ा आता है। हमर्जी है, आप Z2 का पहले लगा लो, Z1 का बाद में लगा लो, एक ही बात है बेटा। कई बुक्स में तुम्हें ऐसे भी मिल जाता है बेटा, तो ये मर्जी है बेटा, कोई सा भी ले लो बेटा, इससे बड़ा होता है, इससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा होता है बेटा। तो ये लो प्रूफ बेटा इसका, तो ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आते हैं इस पर। तो ये लो बेटा, क्या मैं Z1 के मोड को ओनली ये लिख सकता हूँ, Z1 + Z2 - Z2 ये लिख सकता हूँ बेटा, यानी कि Z1 + Z2 को मैं ये लिख सकता हूँ, पहले -Z2 फिर Z2 लगा लो बेटा, एक ही बात है भाई। किसी को 10 रुपीज़ दे के 10 रुपीज़ उल्टे ले ले यार, फर्क थोड़ा पड़ेगा। तो Z2 + Z2 सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ तक इसको आप एक कम्प्लेक्स नंबर मान लो बेटा, यहाँ तक एक मान लो, यहाँ तक इसको दूसरा मान लो, ये लो। तो अभी आपने जो पीछे प्रॉपर्टी की है, 10th प्रॉपर्टी क्या की है कि दो कम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का मोड हो, अलग अलग करते हैं तो उससे छोटा होता है, तो ये छोटा आएगा बेटा। यदि मैं अलग अलग करता हूँ बेटा तो उससे छोटा आएगा, ये लो। ये मैंने कहा लेस देन होगा पहला नंबर Z1 - Z2 का मोड +Z2 का मोड, फर्स्ट का प्लस सेकंड का, ये कर दिया बेटा। ये मैंने 10th प्रॉपर्टी यूज़ की है बीच में। आप Z1 - Z2 को एक समझो, इसको दूसरा समझो, तो अलग अलग जो मोड होता है वो टोटल के मोड से बड़ा होता है बेटा, अलग अलग ये रहा। तो यानी कि आप कहाँ पे आ गए, आप यहाँ आ गए बेटा, Z1 का मोड लेस देन इक्वल टू आ गया Z1 - Z2 का मोड +Z2 का मोड, ये आ गया बेटा। इसको वहाँ ले जाओ तो Z1 का मोड -Z2 का मोड लेस देन इक्वल टू आ गया बेटा Z1 - Z2 का मोड, ये आ गया बेटा, आंसर हो गया बेटा। कुछ पूछना बेटा यहाँ तक पूछ लो, इसको दोबारा सुन लो बेटा। Z1 के मोड को मैंने यूँ लिखा, Z1 - Z2 + Z2 ये डाल दिया बेटा, Z2 + Z2 सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा। अब इसको तीन कम्प्लेक्स नंबर मत समझो, ये दो है बेटा, Z1 - Z2 तो एक है, Z2 एक है, तो अलग अलग करोगे मोड तो उससे बढ़ाएगा बेटा ये। Z1 का मोड क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू Z1 - Z2 + Z2 कैसे, इसको यहाँ से यहाँ ले आओ बेटा, उठा के ले लो।
ट्वेल्थ प्रॉपर्टी है बेटा, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की कोई पावर हो उसका मोड करना हो तो एक ही बात है, आप मोड करके पावर लगा दो बेटा। यार किसी भी कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है बेटा, उसकी भी कोई भी पावर है। लो बेटा प्रूफ देखो, जेड की पावर एन का मोड है तो इसको आप क्या लिखोगे, जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड 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 एन टाइम्स। अब पीछे आपने प्रॉपर्टी कर रखी है जेड वन इंटू जेड टू का मोड क्या होता है, मोड ऑफ जेड वन इंटू मोड ऑफ जेड टू होता है बेटा, ये प्रॉपर्टी कर रखी है तो इसको लगा दो, ये एन टाइम्स है सबका मोड अलग अलग लगा दो, मोड ऑफ फर्स्ट, मोड ऑफ सेकंड, मोड ऑफ थर्ड, मोड ऑफ लास्ट, एन टाइम्स हो गया बेटा। तो मोड जेड एक बार दो बार तीन बार एन टाइम्स है तो क्या आ गया, मोड जेड की पावर एन आ गया बेटा। ये इसका बहुत बेनिफिट है बेटा, देखो कैसे, यदि मैं आपको यूं कह दूं कि 3 + 4 एटा उसकी पावर है 10, फिर उसका मोड करना, तो आप 3 + 4 एटा की एक बार 10 खोल के तो देखो बेटा आधे घंटे में खुलेगा, फिर मोड करना तो उसकी बजाय आप क्या करो, ये लो 3 + 4 एटा की मोड की पावर 10 कर दो ना बेटा, एक ही बात है। अब 3 + 4 एटा का मोड आपको पता ये 5 होता है, तो 5 की पावर 10 ये लो, जो चीज़ तुम एक घंटे में कर सकते थे ना बेटा वो एक मिनट में कर दिया आपने, ये पानी बेटा इसका। पूछ लो बेटा कुछ पूछना तो, लो बेटा देखो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं बेटा। लो बेटा ये क्वेश्चन है आपका, कैराइफ जेड वन का मोड इक्वल टू है जेड टू का मोड इक्वल टू है जेड थ्री का मोड और 1/Z1 का मोड 1/Z2 का मोड 1/Z3 का मोड, ये दे रखा है बेटा। ये क्वेश्चन आपका आईआईटी में आया हुआ बेटा,
कह रहे जेड वन का मोड, जेड टू और जेड थ्री का, और वन बाय जेड वन, जेड टू, जेड थ्री सारे का मोड वन दे रखा है बेटा। देन ये प्रूव करके दिखाओ बेटा कि जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री का मोड भी बनाएगा, ये प्रूव करके दिखाना है बेटा। कैसे करोगे? जेड वन का मोड वन है, स्केयरिंग कर दो बेटा, जेड वन का स्केयर वन हो गया, मोड अलग अलग डाल दो बेटा, मोड अलग अलग डाल दो बेटा, जेड वन इंटू जेड वन का कंजुगेट, ये प्रॉपर्टी थी तो उसको नीचे ले आओ बेटा। तो जेड वन का कंजुगेट कितना हो गया, वन बाय जेड वन आ गया। दोबारा देख लो, ये आपके पास है, हुई है, ये है बेटा कि जेड वन का मोड वन है, ये आपके पास है बेटा, स्केयरिंग कर दो तो जेड वन के मोड का स्केयर वन आ गया। अब जेड वन के मोड के स्केयर को मैं क्या रह सकता हूँ, जेड वन इंटू जेड वन का कंजुगेट प्रॉपर्टी थी, उसको नीचे ले जाओ बेटा। सिमिलरली अगला भी वही आएगा बेटा, सिमिलरली जेड टू का कंजुगेट कितना आएगा, वन बाय जेड टू, जेड थ्री का कंजुगेट कितना आएगा, वन बाय जेड थ्री आएगा। पूछ लो बेटा यहाँ तक, अब आज अपना क्वेश्चन स्टार्ट करो। तुम्हें जिसका मोड निकालना है, अब तुम्हारे पास ये है बेटा, वी हैव ये बेटा कि वन बाय जेड वन प्लस वन बाय जेड टू प्लस वन बाय जेड थ्री, इसका मोड बना है। अब यहाँ वन बाय जेड वन, जेड टू, जेड थ्री की वैल्यू भर दूँ बेटा, ये यहाँ से वैल्यू उतार के यहाँ भर दूँ बेटा सारी, ये लो। तो क्या हो गया बेटा आपके पास, ये आ गया जेड वन बार, जेड टू बार, जेड थ्री बार इक्वल टू वन आ गया। अब सबके ऊपर अलग अलग कंजुगेट है तो आप इकट्ठा कर सकते हो बेटा, जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री सारे पे कंजुगेट कर सकते हो बेटा, ये बना गया। फिर आप जानते हो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मोड और उसके कंजुगेट का मोड सेम होता है बेटा, तो अब क्या करो, कंजुगेट हटा दो बेटा यहाँ से, इसको आप क्या लिख सकते हो, जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री का मोड बनो, मोड हटा दिया बेटा, सेम होता है कंजुगेट का मोड और वैसे, ये लो आंसर प्रूव। करो रीड बेटा इसको, आईटी में है बेटा। कुछ पूछना है पूछ लो बेटा, चलो एक बार इस टाइप का क्वेश्चन कराते हो बेटा। क्वेश्चन है, इफ जेड का मोड वन है देन प्रूव, कहते ये प्रूव करके दिखाओ
कि जेड माइनस वन बाय जेड प्लस वन, जेड माइनस जेड प्लस वन, ये एक प्योरली इमेजनरी नंबर आएगा। दिस विल बी प्योरली इमेजनरी नंबर आएगा बेटा। पूछ लो बेटा, अब जेड का मोड वन है तो लेट जेड को बेटा मान्य मान लिया एक्स प्लस एटा वाई, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट वन हो गया और स्केयरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन हो गया बेटा। इसको वहाँ इसकी हेल्प लेंगे बेटा, इसकी ये रही जेड माइनस वन बाय जेड प्लस वन, यहाँ जेड की वैल्यू भर दो बेटा, एक्स प्लस एटा वाई माइनस वन, एक्स प्लस एटा वाई प्लस वन, ये आ गया बेटा। तो ऊपर आ गया एक्स माइनस वन प्लस एटा वाई, नीचे एक्स प्लस वन प्लस एटा वाई आ गया। यानी कि मैंने क्या किया, जेड माइनस वन जेड प्लस वन, तो जेड की वैल्यू भर दी बेटा, एक्स प्लस एटा वाई माइनस वन एस टी एक्स प्लस एटा वाई प्लस वन। अब रियल इकट्ठे कर लिए बेटा, इमेजनरी इकट्ठे कर लिए। अब इसका कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है तो इसका एक तरह का रैशनलाइज करोगे बेटा, कैसे? वैसे ये रैशनलाइज नहीं होता बेटा, कई बार बताया आपको मैंने, मल्टीप्लाई डिवाइड होता बेटा। तो क्या करो, नीचे प्लस एटा वाई इसके माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो बेटा, एक्स प्लस वन माइनस एटा वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो बेटा। तो क्या आ गया सारा, जेड माइनस वन जेड प्लस वन कितना आ गया सारा, ऊपर मल्टीप्लाई करना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर आ गया बेटा, आयोटा कॉमन, वाई इंटू एक्स प्लस वन वाई इंटू एक्स माइनस वन आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे आ गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। पूछ लो बेटा, हाँ यहाँ एटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, एटा स्क्वायर को माइनस वन भर दिया, बहुत दिन हो गए ना बेटा, सात आठ दिन हो गए, तो छोटी मोटी चीज़ है ना, एटा स्क्वायर को माइनस वन कर लिया करो, जितनी स्पीड बनाओगे बेटा उतना फ़ायदा है। ये नहीं है कि तुम्हारे 100 by 100 नंबर आ गए तो सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो नंबर चाहे 70 आ जाए, यदि आपकी स्पीड है तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो जेड माइनस वन बाय जेड प्लस वन, तो ऊपर हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस आयोटा, सिंप्लीफाई करो, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, वाई और वाई टू वाई बाय में नीचे आ गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आ गया। अब इस चीज़ को बीच में यूज़ करो बेटा, बीच में इस चीज़ को यहाँ यूज़ कर दो बेटा, कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वन होते हैं, यहाँ पे वन लगाना बेटा, यही करना बेटा, इस चीज़ को बीच में यूज़ करोगे ना, इसको यूज़ करो बेटा बीच में, तो कितना आ गया वन माइनस वन प्लस टू वाई आयोटा बाय में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, जीरो हो गया बेटा। तो जेड माइनस वन बाय जेड प्लस वन क्या आ गया बेटा सारा, टू वाई बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में एटा आ गया। तो दिस इज क्या दिख रहा है आपको, ये दिस इज प्योरली इमेजिनरी, ये प्रूव हो गया बेटा, हैंस प्रूव हो गया।
कुछ रिपीट कराना करवाओ बेटा, फिर सुन लो, मोर जेड वन दे रखा है तो कहते हैं प्रूव करो कि जेड माइनस वन बाय जेड प्लस वन तो प्योरली इमेजिनरी है, तो जेड की वैल्यू भर दो बेटा, ऊपर मोड जेड बना है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अंडर रूट वन हो गया, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वन हो गया। अब यहाँ पे एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में ले लिया आयोटा वाई एक, क्यों कर रहा हूँ ये सब, इसका रैशनलाइज करना चाहता हूँ बेटा, ये रैशनलाइज करने से कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, तो इसको आप एक्स प्लस वन नीचे प्लस आयोटा वाई है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ऊपर इनको मल्टीप्लाई करोगे आप, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ये हो गया स्क्वायर आयोटा वाई आयोटा आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर आ गया, फिर आयोटा वाली टर्म में लिख ली बेटा, ये कुल मिला के मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आ गया बेटा आपके पास, यहाँ तक आ गए। अब आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऊपर वन दे रखा है, ये वन यहाँ भर दो, फिलअप कर दो बेटा, ये रहा वन माइनस वन जीरो हो गया, और रियल पार्ट के जीरो होते ही सारा आपके पास क्या आ गया, टू वाई आयोटा बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज क्या है प्योरली इमेजिनरी हैंस फ्रूट बेटा, तो कुछ रिपीट कराना करवाओ बेटा, पूछना तो पूछो। बेटा ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम में एक्सरसाइज दी थी ना, थर्ड एक्सरसाइज, तो कुछ बच्चों ने इसका एक क्वेश्चन पुट किया बेटा, ये लो ये थर्ड क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज थर्ड का, स्टेटमेंट है इफ एक्स प्लस एटा का होल स्क्वायर बाय 2x माइनस आयोटा की वैल्यू दे रखी है बेटा, a प्लस आयोटा b ये दे रखी है बेटा, देन प्रूव, कहते ये प्रूव करके दिखाओ बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर प्लस वन आएगा, कहते ये प्रूव करके दिखाओ, फिर सुन लो x प्लस एटा का होल स्क्वायर बाय 2x माइनस एटा a प्लस एटा भी है, तो ये प्रूव करना, याद है इस टाइप का क्वेश्चन पिछली एक्स में भी आया था, पर आज हम इसको मोड या कंजुगेट से करेंगे बेटा, आज हमको पुराने मेथड से नहीं करेंगे, ये लो प्रूफ, कि आपके पास a प्लस आयोटा भी ये आ गया x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बाय 2x माइनस आयोटा ये दे रखा है, तो ले लो टेकिंग मॉडुलस इन बोथ साइड्स, फिर दोनों तरफ मोड ले लो बेटा, ए प्लस एटा बी का मोड, यहाँ आप लोगे मोड ऑफ एक्स प्लस एटा का होल स्क्वायर का मोड बाय टू एक्स माइनस एटा का मोड, बेटा मोड पूरे पे था, अलग अलग कर सकते हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो तो मोड अलग अलग कर सकते हैं, और ये भी क्या बताया था पावर आ जाए और मोड आ जाए, तो पहले आप मोड सोल्व कर लो, ये लो एक्स प्लस एटा का मोड, फिर ऊपर स्क्वायर लगा लो बेटा, नीचे आ गया टू एक्स माइनस एटा का मोड, अब एक्स प्लस एटा का मोड क्या होता है, रियल का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इमेजरी क्या एटा के साथ वन का स्क्वायर, पे अंडर रूट आ गया बेटा, ये ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया बेटा, नीचे 2x का स्क्वायर आ गया और माइनस वन का स्क्वायर आ गया बेटा, ये लोटा
यानी कि आपके पास इधर ए प्लस योटा बी का मोड कितना आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ गया बेटा। और वहां कितना आ गया बेटा, स्केयर से स्केयर रूट कट गया, एक्स स्केयर प्लस वन बाय फोर एक्स स्केयर प्लस वन पे अंडर रूट है बेटा। अब कर दो बेटा स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग करना, ए स्केयर बी स्केयर इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्केयर प्लस वन का होल स्केयर बाय फोर एक्स स्केयर प्लस वन, ये आ गया बेटा हैंसर रूट। अब यही क्वेश्चन बेटा पहले पिछली एक्सरसाइज में आया होगा, वहाँ पे मैं इसको कैसे करता था, आप इसका होल स्केयर खोल देता था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को एक कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करता था, फिर कंपेयरिंग करके ए और बी निकाल लेता था बेटा, वहाँ से कंपेयरिंग करके ए और बी निकाल लेता था बेटा, वो ए और बी लेफ्ट हैंड साइड में भर देता था। तो वो बेटा इससे डबल क्वेश्चन पड़ेगा, ये आसान है, आप टेकिंग मोड इन बोथ साइड ले लो बेटा। इस टाइप का एक बच्चे ने मेरे से और भी क्वेश्चन पुट किया बेटा, ये बेटा कुछ बच्चों ने ना थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन पुट किए हैं बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, ये भी थर्ड एक्सरसाइज का। तो ये है कह रहा कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा का स्केयर, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा का जो स्केयर है ना बेटा वो ये दे रखा है एक्स प्लस अयोटा वाई, देन प्रूव। तो ये प्रूव कर दो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बनाएगा, यहाँ पे वही ले लो टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, ये लो तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के मोड का स्केयर, उधर आ जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई का मोड, इसका क्या आएगा मोड कॉस स्केयर थीटा साइन स्केयर थीटा का अंडर रूट का स्केयर, इधर आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ गया बेटा। कॉस स्केयर साइन स्केयर वन होता है बेटा, ये लो यानी कि फाइनली कितना आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू वन आ गया बेटा। मैंने टेकिंग मोड इन बोथ साइड लिया ना बेटा, तो मोड क्या होता है रियल का स्केयर इमेजरी का स्केयर, यही होता है ना बेटा रियल का स्केयर इमेजरी का स्केयर। तो यहाँ आ जाएगा बेटा कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा पे अंडर रूट उसका स्केयर, ये आ गया बेटा। यहाँ कितना आएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का अंडर रूट, ये आ गया। अब ये स्केयर से स्केयर रूट कट गया बेटा, और कॉस स्केयर साइन स्केयर वन होता है। तो बेटा मैंने आपको अभी दो तीन क्वेश्चन ही कराए हैं जिन बच्चों ने डाउट लिखवाई थी, और डाउट आए तो थर्ड एक्सरसाइज में से मुझे बतानी है।